सोलन के पुराने बस स्टैंड पर एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक ठियोग का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने पिता के साथ शादी में सोलन आया था। उसके बाद वे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला और पिता अभी तक लापता हैं। पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां युवक बेहोशी की हालत में पड़ा था। उन्होंने तुरंत युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक अभी तक अचेत पड़ा है। पुलिस अभी तक ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसके परिजन कौन है और वे बेहोश कैसे हुआ था। शाम को लगभग 8:30 बजे हमें सिटी चौकी पे सूचना मिली थी कि एक लड़का जो है वो हॉस्पिटल अपने बस स्टैंड के पास कुछ अनकॉन्शियस स्टेज में पड़ा हुआ है, जिसपे जो कंप्लेनेंट थे मिस्टर नरेश कुमार, उनके साथ पुलिस की टीम गई थी और इस बच्चे को जो है तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया RH में। वहां पे ये एडमिट है और इसका फर्दर ट्रीटमेंट चल रहा है और इसका हम कोशिश कर रहे हैं। इसका अपना नाम इसने विशाल बताया है और नेपाली मूल का लग रहा है। फर्दर इसमें कोशिश की जा रही है कि इसका एड्रेस वगैरह पता किया जाए और इसके पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अनकॉन्शियस स्टेज में था वो, नशा किया है नहीं किया है ये हम MLC का जो मेडिकल लीगल ओपिनियन आएगा उसके बाद ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम क्या है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड देने के लिए हॉस्पिटल ले गए थे, तो डॉक्टर साहब ने जो भी मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने उसको एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां।